दिव्या की आने लगी सॉन्ग के प्रमोशन के लिए आज दिव्या कुमार घोसला इंदौर आई और पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस गाने को 180 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया और इसे YouTube पर पसंद भी किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही 200 मिलियन का आंकड़ा भी छूलेगा। दिव्या क्लीन इंदौर के बारे में बताएं कि इंदौर लगातार 3 बार से सफाई में नंबर 1 आया है, जिसके लिए यहां के लोगों को बधाई। इंदौर के लोग बहुत मेहनत करते हैं और गंदगी के प्रति जागरूक भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सफाई में नंबर 1 इंदौर आया है, अगर पूरे देश में इंदौर जैसी सफाई हो तो पूरा देश बदल जाएगा। अपने YouTube चर्चित सॉन्ग के प्रमोशन के लिए इंदौर आई दिव्या कुमार घोसला ने बताया कि इंदौर में खाने पीने की बहुत सी वैरायटी होती हैं और मैंने बहुत सुना है इंदौर के स्वाद के बारे में। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इंदौर का टेस्ट ज़रूर जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता बहुत अच्छी है, यहाँ हमें बहुत प्यार मिला। साथ ही स्कूलों में भी हम गए थे, स्कूली बच्चे बहुत एक्साइटेड थे हमें लेकर। आगे उन्होंने बताया कि जल्द ही हम सत्यमेव जयते 2 में जॉन इब्राहिम के अपोजिट नजर आने वाली हैं और साथ ही जल्द ही याद पिया की आने लगी पार्ट 2 भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लगा, इतनी क्लीन सिटी है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्लीनलीनेस है। आई गॉट टू नो कि 3 बार अवार्ड मिला है, सो आई वाज फीलिंग वाव, यहाँ के सिटीजन्स कितनी मेहनत करते हैं। अगर ऐसा देश भर में हो जाए तो मतलब देश ही बदल जाए। एंड मुझे मैंने खाने की बहुत तारीफ़ सुनी है, सो आई एम रियली ईगर टू ट्राई कि यहाँ पे क्या टेस्टी है। सुन रही हूँ, बस अभी तक ट्राई कुछ नहीं किया है तो या एंड मैं अपना गाना याद पिया के आने लगी यहाँ पर प्रमोट करने आई हूँ और बहुत ही मुझे ज़्यादा बहुत प्यार और बहुत सारा प्यार और वॉर्म्थ, इतना वॉर्म्थ मिली। अभी मैं स्कूल गई थी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे, वहाँ पर सब बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। सो आई एम सो थैंकफुल एंड हैप्पी एंड गाना 180 मिलियन हो गया। सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल की प्लीज़ जल्दी 200 मिलियन तक ले जाओ ताकि मुझे वापस इंदौर आने का मौका मिले। सो या इसके पहले इंडस्ट्री में आपने क्या क्या काम किया है और आपके आने वाला क्या क्या काम है? सो जी जी, अभी आप सब जानते ही हैं मैंने यारियां डायरेक्ट की हैं और सनम रे डायरेक्ट की है पिक्चर। उससे पहले मैंने अब तुम्हारे वाले वतन साथियों में एक्टिंग की थी ऑपोजिट अक्षय कुमार एंड अभी जल्दी सत्यमेव जयते 2 आ रही है स्क्रीन्स पर, विच इज़ विद जॉन इब्राहिम। सो नहीं, आई थिंक यू नो, मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि मैं एक 90s किड हूँ, मैंने उस टाइम पर जो भी रिक्रिएशन होती थी, फॉर एग्जांपल आशा भोसले जी ने अपने सारे 60s का म्यूज़िक रिक्रिएट किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। सो आई फील जब एक धुन आती है, ट्यून आती है, तो हम क्यों उसको एक बार इन्जॉय करके उसको म्यूज़ियम में सजा के रख दें? इट्स पार्ट ऑफ आर कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ आर हेरिटेज एंड आई थिंक एवरी जनरेशन शुड इन्जॉय इट। सो वाई नॉट मेक इट अगेन एंड अगेन इन अ विद टुडेज म्यूज़िक, ताकि हर जनरेशन वो इन्जॉय कर पाए। और ये गाना इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया है, सो दिस जस्ट शोज़ की धुन धुन है और उसका म्यूज़िक का कोई भी, कभी भी आप म्यूज़िक को बांध नहीं सकते किसी एक जनरेशन के लिए या बाउंड्री। इट्स जस्ट म्यूज़िक इज़ जस्ट लव।